इंसाफ चाहिए मुझे बेटे की मौत का। जो जो इस जुर्म में मुलव्वस है उसे सजा मिलनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा मैं अपने बेटे की मैयत को दफनाऊंगी नहीं। मेरा वादा है आपके साथ, इंसाफ होगा, जरूर होगा। उम्मीद तो बहुत है कि मलिक हयात खान ने अब तक सोच लिया होगा कि बचने की कोई उम्मीद तो रही नहीं, तो क्यों ना सच बता ही दो। यूं खामोश रहकर मजीद नुकसान उठाओगे। खुदा की कसम तुमसे सच उगलवाने के लिए मैं आखिरी हद तक जाऊंगी। बोलूंगा सच, लेकिन अपने वकील की मौजूदगी में। कोई कोशिश मत कीजिएगा उस दरिंदे को मुझसे बचाने की। मेरे होते हुए अब ऐसा मुमकिन भी नहीं है। दरिंदा वो नहीं है, मैं हूं। उस लड़के को और अपनी बेटी को गैरत के नाम पे कत्ल किया मैंने, और अब गिरफ्तारी देने आया हूं मैं। बताइए वकील साहबा। फातमा शराजी, मेरे मौकिल मेरी मौजूदगी में अपना इतराफी बयान देना चाहते हैं। उन्नीस मई की शाम मेरे दामाद हयात खान ने मुझे और मेरी बीवी को एयरपोर्ट से पिक किया। जब हम घर पहुंचे तो दरवाजे पर मेरी बेटी गुलमहर ने हमें वो बात बताई जिसे सुनकर हमारे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। हमें अंदाजा नहीं था कि कुछ ही लम्हों बाद हमारे ऊपर कयामत टूटने वाली है। जो देखा और सुना उसके बाद मेरे ऊपर काबू न रहा। मैंने उस लड़के और बेटी को जान से मार दिया। गिरफ्तारी के डर से रात की तारीकी में हमने उन्हें गार्डन में दफना दिया, और पूरे इलाके में यह मशहूर कर दिया कि वो
वो घर से भाग गए। मैं आपका मुलजिम हूं और मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे कोई शर्मिंदगी या अफसोस नहीं है, और एक गैरतमंद बाप को यही करना चाहिए था। अब जबकि मेरे मौकल ने अपना एतराफी बयान दे दिया है तो कोई कानूनी जवाज नहीं बनता कि इनके दामाद मलिक हयात खान को मजीद हिरासत में रखा जाए। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं जमानत के। इसकी जरूरत नहीं है। नबी बख्श, साहब को ले जाएं लॉकअप में और मलिक हयात खान साहब को रिहा कर दो। जी मैम, चलिए। इन्होंने अपनी बेटी और उस लड़के के कत्ल के जुर्म का इकरार कर लिया। आप जा सकते हैं। घबराना नहीं है आपको, इससे ज्यादा देर रहने नहीं दूंगा।